कैलाइडोस्कोप के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये प्रतियोगिता आयोजित किया है कम्युनिका ट्रस्ट ने। हमारे साथ इस खेल में खेलने के लिए 6 खिलाड़ी हैं। आइए इनका परिचय करते हैं। पहला टीम है टीम गुलदस्ता। मेरा नाम श्रुतिका गोसावी है। मेरा नाम शहनाज खान है। हम MES उच्च माध्यमिक विद्यालय वास्को से आए हैं। टीम दिनकर। मेरा नाम नियाल सलगावकर है। मेरा नाम सुजल नाइक है और हम मुस्टिफन उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं। टीम कबीर। मेरा नाम सैपना नदाफ है। और मेरा नाम बुरहानुद्दीन शेख है और हम रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नाविलिम से आए हैं। सभी के लिए तालियां हो जाए। मेरा नाम नमिता नायर है और आज हम ये तय करने वाले हैं कि फाइनल में कौन जाने वाला है। शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला भाग और इसमें 5 टॉपिक हैं। वो है सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स और ग्रामर। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, टूरिज्म और ग्रामर को मिलेंगे 6 अंक, स्पोर्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मिलेंगे 4 अंक। चलिए शुरू करें। ओके, टीम गुलदस्ता, आप कौन सा टॉपिक चुनना चाहेंगे? सेग्रीगेशन। टीम गुलदस्ता ने चुना है सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। इसके लिए उन्हें 6 अंक मिलेंगे और सवाल है, कचरों में सबसे घातक कूड़ा कौन कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं बैटरी और धातु, मोबाइल और कपड़े, प्लास्टिक बैग और मोबाइल, बैटरी, मोबाइल और कंप्यूटर। ऑप्शन 4, बैटरी, मोबाइल और कंप्यूटर। और ये जवाब बिल्कुल सही है। तालियां हो जाए। टीम दिनकर, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। टीम दिनकर ने भी वही चुना है और उनके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेगा 6 अंक। और आपका सवाल है, दिल्ली का कितना प्रतिशत कूड़ा यमुना में बहा दिया जाता है? 45%, 23%, 71%, 55%। ऑप्शन 4, 55%। सही जवाब। टीम कबीर, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। ये सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज टॉपिक का आखिरी सवाल है और इसके लिए भी 6 अंक मिलेगा। और सवाल है, एक कंप्यूटर में कौन कौन से जहरीले रसायन होते हैं? लेड, पारा और आर्सेनिक, लेड और प्लास्टिक, पारा और साइनाइड और आर्सेनिक। ऑप्शन 1, लेड, पारा एंड आर्सेनिक। सही जवाब। तालियां हो जाए। पहला राउंड यहीं पे समाप्त होता है। चलिए चलते हैं दूसरे राउंड की ओर। दूसरे राउंड के नियम पहले राउंड के जैसे ही रहेंगे, पर अगर किसी भी खिलाड़ी को कोई भी उत्तर नहीं आता है तो वो सलील चतुर्वेदी को फ़ोन करके उसका उत्तर पूछ सकते हैं, पर इसमें सिर्फ उन्हें आधे अंक मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं टीम कबीर से, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? ग्रामर। ग्रामर के सही उत्तर के लिए उन्हें मिलेगा 6 अंक और सवाल है, यह अदा पंत ने किशनदा से सीखी थी, ये वाक्य को पूर्ण वर्तमान में बताइए। बोलिए। यह अदा पंत ने कृष्णदास से सीखी है। बिल्कुल सही जवाब। तालियां हो जाए। चलिए चलते हैं दूसरी टीम की ओर। टीम दिनकर, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? टूरिज्म। टीम दिनकर ने टूरिज्म चुना है, इनके लिए भी उन्हें 6 अंक मिलेंगे। और आपका सवाल है, राज्य पर्यटन के निर्देशक कौन है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन मिस्टर विष्णु वाघ, दूसरा ऑप्शन मिस्टर फ्रांसिस्को दे ब्रगांजा, तीसरा ऑप्शन मिस्टर निखिल देसाई और चौथा ऑप्शन मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा। तीसरा ऑप्शन मिस्टर निखिल देसाई। बिल्कुल सही जवाब। टीम गुलदस्ता, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? ग्रामर।
सही उत्तर देने पे टीम गुलदस्ता को मिलेगा 6 अंक। और आपका सवाल है, लड़के चिड़चिड़ाकर उसका अपमान डैश थे। लड़के चिड़चिड़ाकर उसका अपमान करते थे। बिल्कुल सही जवाब। यही पे समाप्त होता है हमारा दूसरा राउंड। चलिए चलते हैं तीसरी राउंड की ओर। हमारा तीसरा राउंड संस्कृति पे आधारित है। इसके हर एक सही जवाब को मिलेगा 6 अंक और गलत जवाब को मिलेगा -6 अंक। ये एक बजर राउंड है और जो भी पहले बजर दबाएगा उसे उत्तर देने का मौका दिया जाएगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा वह राजस्थानी नृत्य है जिसमें महिलाओं के सिरों पर मिट्टी के बर्तन रख के उसका निष्पादन किया जाता है? पहला ऑप्शन रायका, दूसरा ऑप्शन पानीहारी, तीसरा ऑप्शन सुइसनी और चौथा ऑप्शन तेरा ताली। टीम गुलदस्ता, दूसरा ऑप्शन पानीहारी। बिल्कुल सही जवाब। टीम गुलदस्ता को मिलते हैं 6 अंक। चलिए चलते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। भक्ति के ये संत पेशे से मोची थे। तुलसीदास, पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन सूरदास, तीसरा ऑप्शन रविदास और चौथा ऑप्शन कबीरदास। आपको किसी को रिस्क नहीं लेना है। चलते हैं हमारे ऑडियंस की ओर। जी आप बोलिए। जी आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है और इस सवाल का जवाब रविदास है। बिल्कुल सही जवाब। तालियां हो जाए उनके लिए। चलते हैं तीसरी सवाल की ओर। और सवाल है, तमिलनाडु के संदर्भ में पुथंडू क्या है? और आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन पोंगल उत्सव का एक हिस्सा, दूसरा ऑप्शन तमिल नववर्ष, तीसरा ऑप्शन एक तमिल भोजन या चौथा ऑप्शन एक तमिल ड्रेस कोड। पुथंडू। सोचिए तमिलनाडु के संबंध में। चलिए चलते हैं ऑडियंस की ओर। किसी को पता है इसका जवाब? नहीं। ओके, इसका सही जवाब है, ये तमिल का एक नव वर्ष है। चलते हैं चौथी सवाल की ओर। और सवाल है, निम्नलिखित में से शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन सुरेंद्रनाथ टैगोर, दूसरे ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरे ऑप्शन सुरेंद्रनाथ गांगुली, चौथे ऑप्शन मुकुल देव। टीम दिनकर, सेकंड ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही। दिनकर को मिलता है 6 अंक। पांचवा सवाल है, अक्षरधाम संस्था की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन स्वामी नारायण, दूसरा ऑप्शन शिव नारायण, तीसरा ऑप्शन कृष्ण गोपाल, चौथा ऑप्शन गणेश त्रिपाठी।
किसी को नहीं पता। चले चलते ऑडियंस की ओर। आपका नाम? मेरा नाम नंदन झा है। और सवाल का इसका सही आंसर है स्वामी नारायण। बिल्कुल सही जवाब, ताली आ जाए। हमारे इस राउंड का आखिरी सवाल के और हम चलते हैं, और सवाल ये है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, ये सही है या गलत? नहीं पता? किसी को ट्राई भी नहीं करना? चलिए चलते ऑडियंस की ओर। बोलिए आपका नाम? मैं यूला हूँ। और जवाब? जवाब है सही। बिल्कुल सही जवाब, तालियां हो जाए इनके लिए। हमारा तीसरा राउंड यहीं पे समाप्त होता है। जब तक हम स्कोर्स का इंतज़ार करते हैं, चलिए चल के मिलते हैं एक दिलचस्प हस्ती से जिनका नाम है तलुला द सिल्वा। सो अबाउट 5 years ago in 2009, one of my friends, actually we both started this sort of informal group called Mission Green Goa, under which we conduct a lot of environment related campaigns. And she was very concerned, you know, she celebrates Ganesh Chaturthi, and at that time she was very concerned, you know, that a lot of people during the time of immersion of the idol, they, you know, put the offerings in a plastic bag, particularly the garlands, which are actually natural and biodegradable. They just throw it in the water body. What we did was we approached the corporation of the city of Panjim, and we asked them, you know, whether they could make arrangement of some sort of a receptacle. We helped the corporation to put a system in place. Pots were procured. Basically, these are composting pots. They are called the khamba. And once you put the flowers in, you know, within a month or so, they naturally biodegrade. And only last year, we encouraged the corporation to put up these pots in various temples permanently, so that on a regular basis, people could put the flowers, you know, in these pots. And it has been a success. But I think, you know, all these citizen campaigns have a limitation in the sense that we create awareness. But after a particular point, you know, the authority has to step in. So we are hoping that, you know, the government bodies take the next step forward to make this a permanent feature in the city. Meri shubhkamnaye aap sab bachchon ko. स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं। शुरू करते हैं सबसे कम अंक पाने वाले टीम से। टीम कबीर, आप 12 अंकों पे हैं, तालियां हो जाए उनके लिए। और यहाँ पे एक टाई है टीम गुलदस्ता और दिनकर के बीच में, और उनका अंक है 18, तालियां हो जाए। अल्दोना एनिमेशन वर्कशॉप वाज अ सक्सेस। The children loved the experience to work with waste and make characters that later came into life. Paper boxes, bottles, pieces of wood, everything was used and reused. The result was 3 beautiful animation videos.